फ्रेंड्स, मुंबई में रहने वाली 100% विजुअली चैलेंज दीप्ति गांधी आज लेफ्ट ओवर भाकरी में से लड्डू बना रही है, चूरमा का लड्डू। लड्डू के लिए मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, ये 3 भाकरी है जो दरदरे आटे में से बनाई जाती है। हम लोग अक्सर यही दरदरे आटे की भाकरी खाते हैं, जो खिचड़ी, छिड़ती दाल की खिचड़ी और ब्रिंजल पोटैटो की सब्जी के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। और बाद में मैंने लिया है घी 6 टेबल स्पून, गुड़ 1 वाटी से थोड़ा कम। ये गुड़ आप अकॉर्डिंगली योर टेस्ट थोड़ा कम ज़्यादा ले सकते हैं। और मैंने ये 2 इलायची पाउडर और थोड़ा सा जायफल का पाउडर लिया है, और गार्निशिंग के लिए खसखस और काजू के टुकड़े लिए हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लेफ्ट ओवर भाकरी में से लड्डू बनाना शुरू करते हैं। ये भाकरी के मैं छोटे छोटे पीसीस करके मिक्सर ग्राइंड में ऐड करती हूँ, और इसको मुझे ग्राइंड कर लेना है, वो दरदरा ग्राइंड करना है, जिससे लड्डू का टेस्ट और शेप बहुत अच्छे से दिखे। ये सारी भाकरी मैंने इसमें ग्राइंडर में ऐड कर दी है, और अब मैं ये भाकरी को ग्राइंड कर रही हूँ। की तरह बन गई है। ये मैं एक ताट में निकाल लेती हूँ। उसके अंदर मैं अभी ये गुड़ ऐड कर रही हूं। अभी ये आंच को थोड़ा सा स्लो करके गुड़ को घी में मेल्ट करके लेना है। ये हल्के से गुड़ मेल्ट होने चला है, होने लग रहा है। गुड़ मेल्ट होने की बहुत ही टेंटेटिव खुशबू आ रही है। Thank you.
अभी ये गुड़ पूरा मेल्ट हो चुका है क्योंकि ये मेरा एकदम हल्का सा हाथ घूम रहा था। अभी ये मैं गुड़ और घी दोनों ऐड कर रही हूँ जो हमने बाकरी का ग्राइंड किया था। अब उसमें मिक्स कर रही हूँ मैं ये ठंडा होने के लिए मैं फैन चालू कर रही हूँ। अभी मैं इसमें ये इलायची पाउडर और जायफल का पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसको बनाने के लिए मुझे बना के रखने के लिए एक प्लेट चाहिए। अभी ये मिक्सर को मुझे हाथ से मिक्स करके लड्डू बनाने हैं। इसमें थोड़ा घी कम पड़ रहा है तो हम थोड़ा सा घी ऐड कर सकते हैं। कभी कभार ये 6 टेबल स्पून में बराबर हो जाता है बट कभी कम पड़ता है तो हम ऊपर से थोड़ा सा घी ऐड कर सकते हैं। और ये भाखरी खिचड़ी और ब्रिंजा पोटैटो के साथ तो अच्छी लगती है बट सुबह में गरम गरम चाय के साथ ब्रेकफास्ट में भी बहुत ही अच्छी लगती है और ये बहुत ही हेल्दी भी है। अब मैं इनके लड्डू बना रही हूँ।
इसमें मैं काजू के टुकड़े भी ऐड कर रही हूँ। मैंने दो लड्डू ऑलरेडी बना चुके हूँ और एक लड्डू बना रही हूँ, बाकी के लड्डू मैं इसी तरह बना लूंगी। लड्डू को गार्निश करके एक प्लेट में ये खसखस डाल के गार्निश कर रही हूँ। ये लड्डू हमारे बन के रेडी हो गए हैं। बाकी के सारे लड्डू मैं बाद में बना लूंगी, इसी तरह बनाना है। और ये लड्डू सब में सबसे ज्यादा प्रोटीन, कैल्शियम और फास्फोरस मिलता है, प्लस उसमें कैलोरीज और फैट भी मिलती है। ये सुबह में, शाम को या दोपहर में, लंच के टाइम पे जब चाहो तब खा सकते हो। और ये एक्चुअली कंप्लीट फूड की तरह हम खा सकते हैं। और ये बहुत ही हेल्दी लड्डू है जो लेफ्ट ओवर भाकरी में से बनाए गए हैं। थैंक यू।